करदनी इलाके में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ का मामला गरमाता जा रहा है। तोड़फोड़ मामले में 4 लोगों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है और हिरासत में लिए गए लोगों के समर्थन में कई लोग उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन को इस दौरान 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं छोड़ने पर उग्र आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी गई है। साथ ही गुस्साए लोगों ने बाजार को फिलहाल बंद करवा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर के करधनी इलाके से, जहां पर सांप्रदायिक जो मामला है वो गर्माता यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, हिरासत में लिए लोगों को छोड़ने की लगातार मांग की जा रही है। इस दौरान इलाके का बाजार पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुस्साए लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, बाजार बंद करवा दिया गया है। जो लोग इस दरमियान जिन्हें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उन्हें लगातार छोड़ने की यहां पर मांग की जा रही है और ऐसे में मांग नहीं मानने पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पुलिस और प्रशासन को। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है, करधनी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, 4 लोगों को डिटेन किया गया है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश। राकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसके चलते लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हिमाद्री, बता दें कि विगत जो दिन है उसमें एक धार्मिक स्थल, एक समुदाय विशेष का, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज हो गई है। FIR दर्ज होने के बाद एक टीम गठित कर दी है जो CCTV पड़ताल करके जो असामाजिक तत्व है उनकी को चिन्हित कर रही है। इस मामले में 4 लोगों का भी फिलहाल डिटेन किया गया है, उससे बारी बारी पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।